हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट को। ठीक है दोस्तों, आरएलसी सीरीज सर्किट और आरएलसी पैरेलल सर्किट को आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। आरएलसी सीरीज सर्किट में हम लोग उसका फेजर डायग्राम, आरएलसी पैरेलल सर्किट में उसका फेजर डायग्राम, दोनों ही को एकदम साथ ही साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपका टर्म है, इंपीडेंस, रिएक्टेंस, ये सब सारा चीजों को फेजर डायग्राम, वेवफॉर्म, सारा कुछ हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि आरएलसी सर्किट, आरएलसी, तो यहां पर आर, एल और सी का फुल फॉर्म क्या है? तो R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, L का मतलब होता है इंडक्टेंस और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। R का मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब इंडक्टेंस, C का मतलब कैपेसिटेंस। सर्किट, तो सर्किट तो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जुड़ा रहता है। तो ये तो जुड़ा नहीं रहता क्योंकि ये तो गुण है। तो क्या क्या जुड़ा रहता है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जुड़ा रहता है। किसके साथ? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। तो उस तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लोग अपना यदि नोट्स बना रहे, फेयर कॉपी बना रहे, तो वहां पर आप लोग लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, आरएलसी सर्किट का डिफिनेशन, आरएलसी सर्किट। तो जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल सर्किट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कनेक्टेड, दैट कनेक्टेड विथ द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैपिटल आर कोमा इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड ए कैपेसिटेंस सी टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड क्या दोस्तों? आरएलसी सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट नहीं, आरएलसी पैरेलल सर्किट नहीं, आरएलसी सर्किट ओनली। अब आरएलसी सर्किट दो तरीके का होता है। कितना तरीका का? कोई आपसे पूछे कि आरएलसी सर्किट कितना तरीके का होता है, तो आरएलसी सर्किट जो है ना वो दो तरीके का होता है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट, एक आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो मैं छाप ही दिखा देता हूं कि कौन सा आरएलसी सीरीज सर्किट होता है, कौन सा आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो सबसे पहले कौन है? आर यानी रजिस्टर। तो ये एक रजिस्टर है और सारा कुछ सीरीज में जुड़ा रहेगा क्योंकि हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट छाप रहे। उसके बाद एल यानी इंडक्टर, तो ये रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर, उसके बाद इंडक्टर, ये एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L और ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, और सबको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, यहां से करंट जाएगा I और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V बराबर V0 साइन ओमेगा T। ये हो गया दोस्तों मेरा, क्या हो गया? आरएलसी सीरीज सर्किट। यहां पर इसके लिए जो वोल्टेज रहेगा वो VR रहेगा, इसके लिए वोल्टेज VL रहेगा, इसके लिए वोल्टेज VC रहेगा, और सब में सेम क्या रहेगा? क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सब में सेम क्या रहता है? ये वाला करंट हुआ, यहां से जितना करंट जाता है यहां से भी उतना ही करंट, यहां से भी उतना ही करंट, यहां से भी उतना ही करंट, फिर लास्ट में इतना करंट आके इसमें घुस जाता है। तो ये हुआ आरएलसी सीरीज सर्किट, जिसमें क्या होता है? ये हुआ आरएलसी सीरीज सर्किट जिसमें मेरा क्या होता है दोस्तों? क्या सेम रहता है? क्या सेम रहता है? करंट। आरएलसी सीरीज सर्किट जिसमें सेम रहता है करंट, वोल्टेज अलग रहता है। दूसरा आरएलसी पैरेलल सर्किट, तो यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स छाप दिए, ठीक है, यहां से, और ये हो गया आपका रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R, ये हो गया आपका इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस हो गया L, ये हो गया आपका कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हो गया C, और जैसे यहां से करंट गया I, तो ये I कहां से आया? जब यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हम लोग अप्लाई किए V बराबर V0 साइन ओमेगा T, तो यहां से करंट I निकला, और यहां पर अब इसको करंट को जाने के लिए तीन गो मार्ग दिख रहा है, तीन गो रास्ता दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से कुछ करंट जाएगा जिसको हम लोग नाम दे दिया आई आर, यहां से कुछ करंट जाएगा जिसका नाम दे दिया आई एल, यहां से कुछ करंट जाएगा जिसका नाम दे दिया आई सी, और सबसे करंट फिर मिलजुल कर फिर नेट करंट फिर यहां पर भी
अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स में जाकर घुस जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ आरएलसी पैरेलल सर्किट, ये हो गया पैरेलल सर्किट। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए दोस्तों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा चीज था, केवल हम लोग अभी इसका सर्किट डायग्राम छापे है। तो आपको पता चल गया कि आरएलसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट कितने टाइप का होता है, दोनों ही का फिगर मैं आपको छाप के दिखा दिया हूं। इसमें सेम क्या रहता है, वोल्टेज, जितना वोल्टेज आर को मिलेगा उतना ही वोल्टेज सी को, एल को मिलेगा उतना ही वोल्टेज सी को मिलेगा। और इसमें अलग क्या रहता है, करंट जाकर के बढ़ जाता है, करंट इसमें अलग रहता है। इसमें क्या सेम था, करंट सेम था और वोल्टेज अलग अलग था, इतना आपको समझना चाहिए बस। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक एक करके समझते हैं कि आरएलसी सीरीज सर्किट का कई सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे, उसके बाद आरएलसी पैरेलल सर्किट को समझेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट को विस्तार से समझेंगे, एकदम डिटेल से, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप आरएल सर्किट को समझना चाहते हैं, आरएल सीरीज सर्किट और आरएल पैरेलल सर्किट को, तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, वहां पर जाकर के आप आरएल सर्किट को समझ सकते हैं। अगर आप नहीं समझे, अगर आपका कॉपी में नोट्स नहीं है, तो अगर आप आरएलसी अगर आप आरसी सीरीज सर्किट और आरसी पैरेलल सर्किट यानी रेजिस्टर और कैपेसिटर वाला समझना चाहते हैं, आरसी सीरीज सर्किट और आरसी पैरेलल सर्किट, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं बाद में, फिलहाल आप लोग ये वीडियो पूरा अभी देख लीजिए, वो लास्ट में देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आरएलसी सीरीज सर्किट का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, सर्किट डायग्राम, जहां पर आर क्या है रेजिस्टेंस, एल क्या है इंडक्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस, करंट यहां पर टोटल करंट आई, यहां पर टोटल वोल्टेज वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी के अंदर में हम लोग बनाएंगे दोस्तों फेजर डायग्राम बनाएंगे, यहीं पर बच्चों को समझ में नहीं आता, यहीं पर देखिए कैसे, देखिए कैसे। तो जैसा कि हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़े थे कि वोल्टेज था वी जीरो साइन ओमेगा टी, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ही मेरा करंट निकाले थे हम लोग आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज जो रहता है, फेज यानी किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सेम रहता है। यानी यहां पर जो रजिस्टर के लिए जो आपका वोल्टेज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी जाता है, यानी दोनों का फेज जो रहता है, फेज एंगल वो सेम रहता है। तो यहां पर करंट आई और वोल्टेज भी आर, दोनों के लिए जो देखिए यहां पर ओमेगा टी सेम है, इसीलिए दोनों एक ही लाइन में होगा, डाउट खत्म। दूसरा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में मैंने आपको बताया था कि वहां पर वोल्टेज था वी जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट जब हम लोग डेरिवेशन करके निकाले थे तो करंट में पाई बाय टू का डिफरेंस था, मतलब जो मेरा करंट था वो वोल्टेज से पाई बाय टू कम था। देखिए वोल्टेज ओमेगा टी है और करंट ओमेगा टी में पाई बाय टू कम है, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री करंट से ज्यादा है, करंट से ज्यादा है। तब यहां पर जो करंट यहां पर जा रहा है, इधर करंट इधर जा रहा है आई, ठीक है, और वोल्टेज जो है उससे 90 डिग्री ज्यादा है, यानी ज्यादा है मतलब ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बोलिए ज्यादा माने ऊपर जाएगा वी एल, समझ गए। यहां भी डाउट खत्म हो गया, कैसे ऊपर गया, कैसे ऊपर गया, करंट से ज्यादा है 90 डिग्री, या फिर दूसरे शब्दों में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री कम है, जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री कम है। देखिए नीचे, देखिए नीचे करंट नीचे है ना, कितना नीचे, 90 डिग्री नीचे पता चल रहा है। दूसरा देखिए, इसमें भी डाउट खत्म हो गया, कैसे वोल्टेज ऊपर गया करंट कैसे नीचे आया, क्योंकि करंट 90 डिग्री कम था वोल्टेज उससे ज्यादा था। कैपेसिटर में देखिए, मैंने कैपेसिटर में आपको पढ़ाया था कि जब वोल्टेज उसमें था वी जीरो साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर की बात करें अभी सब भूल जाइए, सब समझ गए आप लोग, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, तब करंट का डेरिवेशन करके निकाले थे तो यहां पर ओमेगा टी में पाई बाय टू ज्यादा था, मतलब वोल्टेज से करंट इस बार ज्यादा निकल रहा था, वोल्टेज से करंट इस बार ज्यादा था, कितना ज्यादा था 90 डिग्री। तो जो करंट है वो वोल्टेज से ज्यादा, यानी दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज करंट से कम है, कितना कम है 90 डिग्री कम है। शब्दों को समझिए, वोल्टेज 90 डिग्री कम है किसकी तुलना में, करंट की तुलना में, दूसरे शब्दों में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री ज्यादा है। देखिए तो यहां पर करंट है, ठीक है आई, तो वोल्टेज उससे 90 डिग्री कम है, तो 90 डिग्री ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, नीचे आएगा कितना 90 डिग्री कम है, तो भी सी। यही वाला बच्चों को समझ में नहीं आता, यहीं पर कि वी एल ऊपर क्यों गया, वी सी नीचे क्यों आया, यहीं पर समझ में नहीं आता है। तो अब आपको समझ में आ गया कहां से ये वाला किए, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे है तो उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दिया था, तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, वहां पर मैंने आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट को काफी डिटेल में समझाया था, ठीक है।
और उसका नोट्स भी प्रॉपर बना करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए तो आप लोग लगभग 50% समझ गए आरएलसी सर्किट का। अब देखिए दोस्तों, अब यहां पर जो हम लोग मेन चीज करेंगे, ये तो अलग अलग फेजर डायग्राम छापे, फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अब हम लोग तीनों को मिला करके एक नेट, एक रिजल्टेंट फेजर डायग्राम छापेंगे, एक फेजर डायग्राम छापेंगे। तो एक फेजर डायग्राम छापने के लिए हमको बेसिक जो यहां पर था उसको यहां पर लिखना होगा। तो यहां पर देखिए, ध्यान समझिए, ये वाला समझिए, ये वाला, ये क्या है, ये वाला इधर क्या जा रहा है, इधर सेम क्या है, करंट, करंट, तो इधर है करंट, इसको समझिए तो सब समझिए, इधर है करंट। अब देखिए वोल्टेज ऊपर है वीएल के लिए, तो वोल्टेज ऊपर है वीएल के लिए, ठीक है, जो वहां पर है उसी को खाली यहां पर देख के छाप देंगे, वीएल ऊपर है तो वीएल ऊपर है, वीसी नीचे तो वीसी नीचे, इतना समझिए, समझिए। अब इसी को हम लोग इधर छापेंगे, है ना, इसी को हम ये वाला छाप सकते, क्या क्या छापेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है, अब यहां पर दो को कंडीशन पैदा होता है, दो को यहां पर कंडीशन पैदा होता है, ये भी 90 डिग्री ऊपर था तो 90 डिग्री ऊपर कर दिए, ये भी 90 डिग्री नीचे था तो ये भी 90 डिग्री नीचे कर दिए। तो अब यहां पर दो केस पैदा होता है, दो को केस यहां पर डेवलप होता है, क्या, जब वीएल वीसी से बड़ा रहेगा, पहला केस, केस नंबर वन, जब इफ या फिर व्हेन वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, जब वीएल वीसी से ज्यादा रहेगा, और दूसरा केस बनता है केस सेकंड, केस सेकंड में व्हेन वीसी ग्रेटर देन वीएल, जब वीसी बड़ा हो जाएगा वीएल से, तब दोनों ही के लिए, दोनों ही केस के लिए, अब इसको हम थोड़ा सा अलग छापेंगे, देखिएगा यहां पर, देखिए ये मान लेते हैं यदि 3 मीटर ऊपर गया तो ये भी 3 मीटर नीचे गया, इस तरीके से आपको बराबर दिख रहा। अब इसी को हम इस दो कंडीशन के रूप में छापेंगे, देखिए किस तरीके से, तो ये तो जस्ट कथा से करंट है, इसी को रेफरेंस लेकर हम लोग चल रहे, वोल्टेज इस बार क्या है, ज्यादा है इंडक्टर का, कैपेसिटर का वोल्टेज की तुलना में, तो ये वाला लंबा रहेगा, ये वाला लंबा रहेगा, और ये वाला थोड़ा नीचा रहेगा, ये क्या है वीएल, ये क्या है वीसी, इसको थोड़ा ज्यादा लंबा दिखाए, किसके तुलना में, इसके तुलना में, समझ में आ रहा है, ये हो गया इसके लिए, इसके लिए दो को कंडीशन, आप कॉपी में छापिएगा तब ये वाला छापे, पहला ये, दूसरा ये, उसके नीचे में ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से आप लोग छापिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये करंट, ये तो रेफरेंस था, ठीक है, अब यहां पर दूसरा कंडीशन में क्या है कि वीसी मेरा बड़ा है, वीएल छोटा है, तो वीएल को छोटा बनाइए, वीएल छोटा, यहां पर करंट आई, और वीसी को थोड़ा लंबा बना दीजिए, अभी भी वीसी नीचे में ही है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर चल गया, नहीं, अभी भी वीसी नीचे में ही है, ठीक है, लेकिन वीसी को थोड़ा लंबा दिखा दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक अगर आप समझ गए तब आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ गए, ठीक है, यहां समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं, इस सर्किट का हमको काम नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये छापने के बाद आपको नीचे में यहां छापना है, ये वाला छापना है, देखिए केस जो फर्स्ट है, अब दोनों केस के बीच में आप लाइन खींच दीजिए, अपना कॉपी में लाइन खींच दिए बीच में, इधर साइड, इधर साइड आपको ये वाला छापना है, करंट आई है, ठीक है, वोल्टेज क्या है, एक मिनट, ये जो वीएल है ये बड़ा दिख रहा है वीसी की तुलना में, तो हम लोग ये लिख सकते हैं वीएल माइनस वीसी, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वीएल बड़ा है वीसी की तुलना में, तो वीएल में वीसी को माइनस कर दिए, यहां तक दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये हो गया आई, तो आई को हम लोग यहां पर आई नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, और जब मैं आपको ये वाला सर्किट डायग्राम छाप के दिखाया था अभी अभी, ऊपर में जो सर्किट डायग्राम था हम लोग मिटा दिए, एक चीज वहां पर मैंने आपको बताया था, रेजिस्टिव सर्किट में ये वाला प्योर रेजिस्टिव जहां पर रजिस्टर था वहां पर ये वाला छापा था, आप लोग याद कीजिए, तो करंट था इधर आई और वोल्टेज था वीआर इधर, कुछ याद है, यहां पर अभी था, अभी अभी था, हम मिटा दिए, तो इधर क्या वीआर, तो यहां पर हम लोग आई ना लिख के यहां पर लिख देंगे वीआर, और आई को अगर मन है तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं आई को यहां पर, ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है। ये वाला कहां से आया भैया, अभी अभी जो हम लोग सर्किट छापे थे, आप लोग स्क्रीनशॉट यदि लिए तो वहां पर देखिए रजिस्टर के जगह में जहां रजिस्टर है, जहां रजिस्टर है वहां पर ये वाला हम लोग छापे थे फेजर डायग्राम, तो यहां पर आई और भैया उसी को छाप के यहां पर, उसी को देख के यहां छाप दिए, ठीक है। अब इसका जो इधर है भैया, देखिए ये वाला भैया, ये वाला लाइन तो किसके लिए, भैया के लिए, और ये वाला लाइन हुआ किसके लिए, वीएल माइनस वीसी के लिए। अब दोनों का रिजल्टेंट यानी नेट वोल्टेज कितना होगा, नेट वोल्टेज होगा वी, नेट वोल्टेज कितना होगा वी, तो इस नेट वोल्टेज को आप कैसे निकालेंगे,
अच्छा ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा, फाई का हो जाएगा। अच्छा ये वाला वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज या फिर नेट वोल्टेज। तो इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भी बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रूट तो इधर चढ़ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर को हटा के इधर रूट कर दिया, इसमें डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो भी यानी वोल्टेज का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है, वीएल माइनस वीसी, वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वीआर का स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं, केवल हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर था यहां पर हटा रूट चढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब यहां पर जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पर ये भी आर है, यानी ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए था, रेजिस्टिव सर्किट के लिए था, तो भी आर को हम लोग ओम्स लॉ का यूज करके आई आर लिख सकते हैं, भी बराबर आई आर, इस करंट आई जो सेम है सबके लिए, रेजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए सेम है। अलग क्या था, अलग था मेरा वोल्टेज, तो वोल्टेज के हिसाब से मेरा रेजिस्टर, जैसे रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर है तो उसका इंडक्टेंस एक्स एल, कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस एक्स सी। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज वी आर था तो उसके लिए आई आर हुआ। यहां पर जैसे होगा तो भी ये वाला भी एक वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ का यहां भी यूज करेंगे तो आई आर होगा। तो यहां पर आर क्या होगा, यहां पर आर क्या होगा, यहां पर जो आर होगा वो होगा वोल्टेज इंडक्टर के लिए एक्स एल माइनस वोल्टेज कैपेसिटर के लिए एक्स सी। समझ में आया कैसे, देखिए रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस एल, कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस सी, सॉरी रेजिस्टेंस यहां पर एल, तो रेजिस्टेंस ये तो आपका इंडक्टेंस है ना, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा एक्स एल, इसका प्रतिरोध क्या होगा एक्स सी, एक्स सी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया था, यहां पर आपको शॉर्ट में पार कर रहा हूं। ठीक है, वीएल है उसके लिए एक्सएल, वीसी है उसके लिए एक्ससी। अब जैसे यहां पर जैसे और ध्यान से समझिए, वीएल है तो वीएल यानी आई आर होगा, तो यहां पर आर का काम कौन करेगा, यहां पर आर का काम करेगा एक्सएल, तो आई एक्सएल, तो वही वाला लिखिए जो आई को यदि एंट्री करा देंगे तो आई एक्सएल हो जाएगा, और वी सी तो आई आर, तो यहां पर आर का काम कौन करेगा एक्ससी, एक्ससी, तो यहां पर एक्ससी तो लिखा है लेकिन आई को हम लोग क्या किए ब्रैकेट के बाहर किए, यदि आई को एंट्री करा देंगे तो आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी होगा, होगा ना। हाँ, तो अब देखिए, अब देखिए इतना अगर आप लोग समझ गए तो आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए आगे देखिए, ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया ओम्स लॉ, यहां पर ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहां पर आई आर, तो यहां पर आर का काम कौन करेगा जेड, ये जेड क्या है इंपीडेंस। ठीक है, डाउट नहीं है, क्लियर हो गया, जहां जहां डाउट था वो मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं। ठीक है, देखिए अब यहां पर और करके हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, यदि सब में आई 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 कॉमन है हटा देंगे तो क्या हो जाएगा जेड, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये वाला भी पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी। आप बोलेंगे करंट तो काई छोड़ दिया, क्योंकि करंट सब में कॉमन था, हटा दिए आई 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 हटा दिए। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, आधार क्या है आर, तो आर का स्क्वायर। ये दो को फॉर्मूला बन गया, जेड क्या है इंपीडेंस किसका आरएलसी सर्किट का। अच्छा यहां पर अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आरएल सर्किट और आरसी सर्किट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कभी जेड का डिफिनेशन नहीं बताया हूं, खाली बताया था कि जेड एक तरीका का रेजिस्टेंस है जिसका यूनिट ओम होता है, लेकिन अब मैं बताता हूं कि जेड का डिफिनेशन क्या है। तो जेड क्या है, जेड रेजिस्टेंस है लेकिन किसका द्वारा ऑफर किया गया, जैसे कब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैं आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था कि एक्सएल जो है वो रेजिस्टेंस है लेकिन किसके द्वारा उत्पन्न किया गया रेजिस्टेंस है, वो था इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न किया गया, इंडक्टर के द्वारा उत्पन्न किया गया रेजिस्टेंस को एक्सएल कहते, एक्ससी क्या था कैपेसिटर के द्वारा उत्पन्न किया गया रेजिस्टेंस को एक्ससी कहते थे। तो जेड क्या है, जेड है आरएलसी सर्किट द्वारा उत्पन्न किया गया रेजिस्टेंस को जेड कहते, समझ में आ गया। जब मैं क्योंकि मैं आपको नहीं बता रहा था इसका डिफरेंशन, क्योंकि मैं आरएलसी सर्किट तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि आरएल सर्किट आरसी सर्किट पढ़ा रहा था। अब मैं जब आरएलसी सर्किट पहुंच चुका हूं तब मैं आपको बता रहा हूं कि जेड का डिफरेंशन क्या है। तो जेड इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आरएलसी सर्किट, फिर से नोट कर लीजिए, जेड क्या है, जेड इज द टोटल रेजिस्टेंस या फिर टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द आरएलसी सर्किट। क्लियर हो गया, इज नॉन एज इंपीडेंस,
जेड क्या है, इंपीडेंस है। चलिए ये सब खत्म हो गया, ये सब हम लोग जहां जहां आपका डाउट था क्लियर करता चल रहा हूं। मुझे पता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने से जो आरएल सर्किट, जो आरसी सर्किट में जो कुछ भी आपका डाउट था या फिर छूटा हुआ था वो सब क्लियर हो जाएगा। ये जेड, ये जेड का फॉर्मूला मिल गया, एक्सएल माइनस एक्सी प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जहां पर भी न्यूमेरिकल में आपको एलआरसी सर्किट का क्वेश्चन रहेगा और जेड का फॉर्मूला लग रहा है तो वहां पर जेड का फॉर्मूला ये वाला लगा दीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग याद करके भी रख लीजिए, जब यहाँ पर VL ग्रेटर देन VC होगा तभी XL माइनस XC होगा, इस पर भी ध्यान दीजिए। जब तो इसका मतलब हम ये वाला भी बोल सकते हैं कि XL में माइनस हो रहा है XC, XL में माइनस हो रहा है XC, यानी ये वाला भी केस बनता है कि जब जब या फिर यहाँ पर और करके जब VL इज ग्रेटर देन VC या फिर XL इज ग्रेटर देन XC तब वो वाला जो मेरा सर्किट है वो RLC सीरीज सर्किट की तरह काम करेगा। हाँ, आरएलसी सीरीज सर्किट की तरह काम करेगा, तब वहां पर ये जो सर्किट है वो पूरा पूरी कौन सा सर्किट बन जाएगा, वो पूरा पूरी मेरा एल पर डिपेंड हो जाएगा, मतलब इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा। यानी आरएलसी सीरीज सर्किट को हम लोग इंडक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं जब उसमें एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा या फिर वीएल ग्रेटर देन वीसी होगा। क्लियर है? क्या बोले कि आरएलसी सीरीज सर्किट को हम इंडक्टिव सर्किट बोल सकते हैं कब, जब VL ग्रेटर देन VC या फिर XL ग्रेटर देन XC होगा। हाँ ठीक है, तब इस सर्किट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा है। देखिए इंडक्टर में वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर के तुलना में, तो पूरा पूरी जो मेरा सर्किट वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, इंडक्टर पर डिपेंड हो जाएगा। हाँ तो ये जेड का फॉर्मूला हो गया। आगे देखते हैं फेज एंगल, ये सब आपको लिखना किधर है, आपको बताया ना बीच में लाइन खींचना, ये वाला लाइन हुआ, और कॉपी का नीचे नीचे लिखते जाना इस लाइन के इधर इतना कुछ, ठीक है। फिर लिखना है फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन फाई, टेन फाई। ऐसे तो फेज एंगल को फाई से डिनोट करते हैं लेकिन हम लोग फाई निकालने के लिए टेन फाई का यूज करेंगे। टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला एक्सएल माइनस एक्ससी, आई भी है, आई भी है, आई को हम लोग हटा देंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार क्या है आई आर, तो आई को हम लोग हटा देंगे आर, यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई, तो आई आई कट जाएगा, ठीक है। इसलिए सीधे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर, ये हो गया। अब यहाँ पर एंगल है तो अब यहाँ पर हम लोग खाली एंगल को लिखेंगे और टेन इनवर्स उधर चल जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर। कहीं पर भी आपको अगर एंगल का जरूरत होगा, एंगल का जरूरत होगा तो इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ पावर फैक्टर, उसको भी बता देता हूं, उसके बाद हम ये वाला शुरू करेंगे, ठीक है। तो इधर ही आपको लिखना है, ये वाला इधर ही लिखना है, इसी के नीचे में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। देखिए इस टॉपिक पर बहुत बच्चों का डाउट रहता है आरएलसी सर्किट, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत मतलब स्पीड में पार करूंगा, ठीक है। देखिए पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कॉस फाई से, कॉस फाई से, कॉस फाई, तो फिर से वही कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है आर, कर्ण क्या है जेड, ये हो गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, आर बटा जेड, यही वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला है कॉस फाई का, जहां भी पावर फैक्टर निकालने बोलेगा, चाहे आरसी सर्किट चाहे आरएल सर्किट, आप कॉपी पलटा के देख सकते हैं, हर बार कॉस फाई का यही फॉर्मूला निकला है, आर बटा जेड, आर बटा जेड, आर बटा जेड, सीरीज सर्किट में, पैरेलल सर्किट में मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए ये केस, केस वन खत्म हो गया, केस फर्स्ट खत्म हो गया, अब केस सेकंड में बात करते हैं, जब जब मेरा VC ग्रेटर है VL की तुलना में, या फिर दूसरे शब्दों में XC ग्रेटर है XL की तुलना में, XC ग्रेटर है XL की तुलना में, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है आप लोग लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं वो वाला, तो उसके लिए यहां पर हम लोग छापेंगे उसका फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इतना पहले सब मिटा देते हैं, इतना अब आपको जो लाइन खींचे थे बीच में उस साइड इतना काम करना है, अब मैं जो काम कर रहा हूं उस साइड करना है, जैसे फेजर डायग्राम छाप रहे। तो इधर क्या है, फिर आपको याद रहना चाहिए कि इधर क्या था, करंट था, तो करंट के जगह में यहां पर करंट लिखेंगे, डिटो उसी तरह से, खाली हमको करना है VC माइनस VL करना है और कुछ नहीं करना है। तो इधर मेरा क्या है I है और यहां पर क्या था VR था, ठीक है VR था, अभी रेजिस्टिव सर्किट नहीं दिखाए थे उसमें, वही वाला फिगर तो छापेंगे, वही वाला जो अभी था ना उसी को, और नीचे में छाप देंगे क्या VC माइनस VL, अब VC ज्यादा है VL की तुलना में, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा V, ठीक है, रिजल्टेंट क्या निकलेगा V।
ये वाला लाइन तो किसके लिए है, आई के लिए नहीं, ये वाला लाइन तो वी आर के लिए, ये वाला लाइन तो वीसी माइनस बी आर के लिए, ये वाला लाइन तो वी के लिए, ठीक है। चलिए ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम यहां पर आप लिख सकते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब क्या है ये वाला लाइन टू बीसी माइनस बी एल, बीसी माइनस बी एल का स्क्वायर प्लस आधार क्या है लंब बटा आधार, आधार है मेरा वी आर का स्क्वायर, ये हो गया। या फिर क्या करेंगे, भी बराबर क्या होता आई आर, रेजिस्टिव सर्किट के लिए था इसीलिए रेजिस्टेंस आर लिखे, ये वाला क्या हो जाएगा भी बराबर आई आर, लेकिन इसमें आर क्या हो गया, इसमें आर होगा वीसी यानी एक्ससी माइनस बी एल यानी एक्सएल, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज पर आपको सवाल नहीं पूछना है, यहां पर आई भी बराबर आई जेड, ठीक है, कुछ नहीं सेम टू सेम है, खाली वीसी माइनस बी एल की, ये केस सेकंड है और अभी तक हम लोग सीरीज सर्किट ही पढ़ रहे, अभी पैरेलल सर्किट बाकी है, ठीक है, इसीलिए सब कुछ ध्यान में रखिए। अब देखिए जेड, तो जेड यानी जेड का स्क्वायर बराबर यानी लंब का क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब क्या है एक्ससी माइनस एक्सएल, एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है आर का स्क्वायर, आई आई नहीं लिख रहे इसका मतलब आई आई कट जाता है, ठीक है, आई आई कट जाता है यहां भी, तो जेड मतलब यहां पर आई जेड लिखते हैं, फिर यहां पर आई एक्सएल माइनस एक्सएल, यहां पर आई आर, तो यहां से आई को कॉमन निकाल लेते, ये आई आई काट देते, इसीलिए आई नहीं लिख रहे, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे। तो ये फॉर्मुला हो गया, कहीं पर जेड का जरूरत होगा जहां पर एक्सी ज्यादा रहेगा ग्रेटर देन एक्सएल, तो ये वाला फॉर्मुला वहां पर पुट कीजिएगा, ठीक है, जेड निकालने के लिए। न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तब आपको सब समझा देंगे, ठीक है, फिलहाल अभी जो कुछ है वो सब ध्यान से समझते चलिए। ये हो गया जेड, अब यहां पर लिखेंगे फेज एंगल, फेज एंगल उसके बाद पावर फैक्टर, फेज एंगल, फेज एंगल। देखिए बच्चे इसको बहुत हार्ड समझते हैं, आरएलसी सर्किट बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप आरएल सर्किट और आरसी सर्किट को बढ़िया से समझे तो आरएलसी सीरीज सर्किट भी बहुत हार्ड नहीं है, या फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए फेज एंगल को हम लोग डिनोट किससे करते हैं फाई से, और ये निकलता कहां से टेन फाई से, तो टेन फाई यानी टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला यहां पर फाई लिखना छूट गया था ना, हाँ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी, सॉरी एक्ससी माइनस एक्सएल बटा आधार, आधार क्या आर, ये हो गया। फाई निकालना है तो टेन इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बटा आर, ये हो गया फॉर्मूला। कहीं पर आपको इसका जरूरत होगा फेज एंगल निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन ये वाला कब लगेगा जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सएल होगा, सॉरी एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल होगा, ठीक है। चलिए आप पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जिसको डिनोट करते कॉस फाई से, तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो कॉस थीटा का फॉर्मूला था, कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण, आधार क्या है आर, आई को नहीं लेंगे, आधार बटा कर्ण जेड, आर बटा जेड, इसमें भी वही फॉर्मूला है, उसमें भी वही, इसमें भी अभी अभी देखे थे केस फर्स्ट में आर बटा जेड आया था, इसमें भी आर बटा जेड आ गया। तो इतना हो गया दोस्तों मेरा आरएलसी सीरीज सर्किट हो गया, खत्म हो गया आरएलसी सीरीज सर्किट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में रहेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए, थोड़ा अगर पानी वगैरह पीना है तो आप पी सकते हैं, क्योंकि समझना है कि फिजिक्स में सब कुछ समझना है, सब कुछ दिमाग में एकदम समझते चलना है, सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के माने तो ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट। आर क्या है रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, एल क्या है इंडक्टर का इंडक्टेंस, सी क्या है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो आरएलसी पैरेलल सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है कि सेम क्या रहता है वोल्टेज, इसमें जितना वोल्टेज उसमें भी उतना ही वोल्टेज, उसमें भी उतना ही वोल्टेज, अलग क्या क्या हो जाता है अलग हो जाता है करंट जाकर के बढ़ जाता है, तीन गो रास्ता इसको मिल रहा है अब जाने के लिए आई आर आई एल आई सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे फेजर डायग्राम, तो इसमें भी फेजर डायग्राम में बहुत कुछ अंतर नहीं है, सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए अब यहां पर देखिए रेजिस्टर है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है, तो एक मिनट मैं इसको आपको और आसान बना सकता हूं अगर आप इस चीज पर ध्यान देंगे कि यहां पर सेम क्या रहता है वोल्टेज, तो वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखिए वी वी वी। अब आप लोग सोच रहे कि यहां पर वी आर क्यों नहीं लिखे, वी एल क्यों नहीं लिखे, वी सी क्यों नहीं लिखे, इसका कारण है कि यहां पर वोल्टेज सेम रहता है इसलिए वी 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 पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। हाँ तो अब करंट, तो करंट आई आर है, तो आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, तो यहां पर आई आर, आई आर क्यों लिखे क्योंकि रेजिस्टर का अपना करंट होगा है ना, क्योंकि करंट इसमें अलग अलग होता है।
इसमें तो इंडक्टर में आपको पता है कि अगर वोल्टेज रहता है वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो करंट जो होता है मेरा आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू होता है, यानी करंट जो होता है वो वोल्टेज से कम रहता है, तो वोल्टेज यहां पर है तो करंट उससे नीचे होगा। आई एल कितना नीचे है, पाई बाय टू नीचे है। हाँ ये वाला देखिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में वोल्टेज जो रहता है वी जीरो साइन ओमेगा टी, लेकिन करंट इससे ज्यादा रहता है आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, कितना ज्यादा रहता है 90 डिग्री, तो अब करंट जो है वो ऊपर जाएगा, वोल्टेज नीचे रहेगा, वोल्टेज नीचे रहेगा। यहां पर मान लेते हैं वोल्टेज है तो करंट ऊपर जाएगा आई सी, ठीक है। ये हो गया फेजर डायग्राम, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाया, बहुत आसान तरीका। अब हम लोग ये तो तीनों अलग अलग हुआ, अब तीनों को मिला करके फेजर डायग्राम एगो बनाते हैं, एगो फेजर डायग्राम। तो एगो फेजर डायग्राम हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए एक सैंपल छापना होगा। इधर क्या है वोल्टेज, इधर वोल्टेज को लिख देते हैं, ठीक ठीक है, रिफरेंस में। ऊपर में कौन है आईसी, ऊपर में कौन है आईसी, आईसी ठीक। ये वोल्टेज को हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो हम लोग कहीं भी यहां पर लिख सकते हैं। इस लाइन में कौन है आई आर, यहां ध्यान दीजिए आई आर, क्योंकि उससे पिछला वाला यानी हम लोग सीरीज सर्किट में वोल्टेज मेरा डिफरेंट था, इसलिए वोल्टेज में दिखा रहे थे इसको, इसमें करंट अलग अलग, तो इसलिए करंट को आप दिखा रहे, ठीक है। यानी जो ट्राइंगल बनेगा त्रिभुज बनेगा वो करंट का त्रिभुज बनेगा, करंट ट्राइंगल, उसमें क्या बनता था वोल्टेज ट्राइंगल, उसमें क्या बनता था इंपीडेंस ट्राइंगल, इसमें बनेगा एडमिटेंस ट्राइंगल। नहीं समझ में आ रहा, चलिए आगे देखेंगे। ऊपर में क्या है आईसी, नीचे में क्या है आई एल, आई एल नीचे है ना, हाँ। तो यहां पर देखिए ये मान लेते ये भी 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर है, बराबर है, हमको पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब एक हम लोग केस मानेंगे, इसमें भी दो केस, केस फर्स्ट और इधर केस सेकंड, केस फर्स्ट केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या होगा, जब आई सी ग्रेटर होगा आई एल का तुलना में, केस सेकंड जब आई एल ग्रेटर होगा आई सी की तुलना में, ठीक। चलिए तो यहां पर इसके लिए हम लोग ये वाला देखकर इसके अकॉर्डिंग आप फिगर छापेंगे, यही वाला। तो इधर क्या है आई आर, ऊपर में कौन है आई सी, लेकिन आई सी को आप थोड़ा लंबा छापेंगे, लंबा छापेंगे, काहे क्योंकि आईसी ज्यादा है, और आई एल को थोड़ा छोटा छापेंगे ताकि पता चलेगा कि हाँ आई एल कम है आईसी की तुलना में। ये हो गया इसके लिए, अब इसी को देख के हम लोग आगे यहां पर छापेंगे या फिर यहीं पर छाप सकते हैं। तो इधर क्या है आई आर, ऊपर में क्या है आईसी, लेकिन नीचे वाला को भी हम लोग इसके साथ लेते हैं, तो आईसी माइनस आई एल, और ये आई आर है, ये आई आर आई सी माइनस आई एल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा आई। ये कहां से आया समझ में आया, जो नीचे में था ये आई एल उसको ऊपर में ही छाप दिए लेकिन माइनस करके, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू तो छोटा है ऊपर वाला वैल्यू की तुलना में, तो ऊपर वाला वैल्यू में नीचे वाला को माइनस कर सकते बिल्कुल। तो ये हो गया इसका मेरा करंट ट्राइंगल, इसको बोलेंगे क्योंकि देखिए यहां भी करंट यहां भी करंट यहां भी करंट, तो इसका नाम है करंट ट्राइंगल, करंट वाला त्रिभुज, ठीक है। इधर छापते हैं, ये केस सेकंड, आपका कॉपी में डिटो इसी तरह होना चाहिए, इधर एक लाइन ये लाइन खींच दिए, इधर केस फर्स्ट इधर केस सेकंड, दोनों ही को साथ साथ, ताकि आप लोग बाद में कभी अपने नोट्स को पलटा के देखें तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। इधर देखते हैं, ये हो जाएगा आई आर, अब आई एल बड़ा है आई सी छोटा है, इसका मतलब ऊपर वाला थोड़ा छोटा छापेंगे आई सी और नीचे वाला बड़ा रहेगा आई एल, तो इसके हिसाब से ये वाला ट्राइंगल तो छापेंगे वहां पर, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो यहां पर क्या है आई आर, ठीक है। तो नीचे में ही रहेगा तो थोड़ा उसको ऊपर छाप देते ताकि समझ में आ जाए, आई आर नीचे में, आई एल बड़ा है माइनस आई सी कर देते हैं, इसका रिजल्टेंट आई एंगल फाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना, कैसे हुआ क्योंकि नीचे वाला बड़ा था, देखिए आई एल ग्रेटर देन आई सी, इसीलिए हमको अब एगो त्रिभुज छापना, तो एगो त्रिभुज इधर और इधर थोड़ी होगा, एक साइड होगा, तो एक साइड कैसे होगा, जब आई एल ग्रेटर है आईसी से तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एगो बना करके आई एल माइनस आईसी, इधर जिस तरह किए थे आईसी ग्रेटर देन था आई एल, तो अच्छा आईसी को हम लोग नीचे ही मतलब ऊपर ही क्यों छापे, क्योंकि यहां पर आईसी जो है ना वो ऊपर था, यहां पर आई सी आई एल नीचे था, ठीक है, इसलिए इसका त्रिभुज नीचे साइड बना, इसका त्रिभुज ऊपर साइड बना, डाउट क्लियर हो गया। चलिए इतना हो गया, अब हम लोग इसका जो भी कुछ है क्या 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 पाइथागोरस प्रमेय फेज एंगल पावर फैक्टर वो सब देखते हैं। तो इधर साइड आपको ये काम करना है, इधर साइड
क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी आई का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाए रूट चढ़ा दिया इधर, बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है आर, आई आर, आई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा भाषा में ये करंट के लिए हो गया। अब यहां पर हम लोग एक ओम्स लॉ लगाते हैं, यहां पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आई बराबर, हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटार, ये लाइट हो यहां पर लिख देते हैं भी बटार। क्यों यहां पर आर लिखे, क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट के लिए था ये आई आर। इधर देखते हैं ये वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा आई सी, तो यहां पर भी बटा आर, तो आर यहां पर आर थोड़ी होगा, यहां पर आई सी के लिए हो जाएगा एक्ससी माइनस, ठीक है, और आई एल के लिए हो जाएगा एक्स एल। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भी को बाहर कर देते हैं और इसको लिख देते हैं वन बटा एक्ससी माइनस वन बटा एक्सएल, इस तरीके से लिखते हैं। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई बराबर भी बटा आर ही है, भी बटा आर, क्योंकि ये भी तो अंदर जाएगा, तो भी बटा एक्ससी, भी बटा एक्सएल। ठीक है, इसी तरह ओम्स लॉ का ही यूज हुआ, आप इसमें कोई डाउट मतलब हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान है, यहाँ पर कोई हम जादू नहीं कर दिए कि भी बराबर वन बटा एक्ससी कहां से आया, हम लोग भी बराबर आई बराबर भी बटा आर जानते ना ओम्स लॉ से, आई बराबर भी बटा आर। ठीक है, तो आई यहाँ पर ये आई सी माइनस आई एल एक तरह का करंट है ना, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, तो इसके लिए वोल्टेज भी और नीचे में रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस आई सी के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा एक्ससी, और आई एल के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा एक्सएल, और यहां पर आई बराबर भी बटा जेड, जेड क्या है इंपीडेंस। अब देखिए ऊपर का भी को हटा देते, ऊपर का भी को हटा देते, तो कर्ण का स्क्वायर यानी वन बटा जेड का स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट चढ़ा दिए, वन बटे आर का वन बटे क्या एक्ससी माइनस वन बटे एक्ससी, वन बटे एक्ससी माइनस वन बटे एक्सएल का होल स्क्वायर बटा 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 क्या लिख रहे, ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है वन बटा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो वन बटा जेड, वन बटे जेड यानी इंपीडेंस का उल्टा क्या है एडमिटेंस, तो एडमिटेंस के लिए वाई, वन बटे एक्ससी, तो वन बटे एक्ससी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वन बटे एक्ससी को, यानी मेरा क्या है क्या रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्ससी मतलब क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जब मैं आपको आरसी सर्किट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वन बटे एक्ससी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा को बोलते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस, बी, वन बटे एक्ससी को बी बोलते हैं, तो यहां पर बी है इसलिए बी सी लिख देते, और वन बटे एक्सएल को भी हम लोग बी ही बोलते हैं लेकिन उसको इंडक्टिव ससेप्टेंस बोलते हैं, तो बी एल लिखेंगे, तो इसका वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बी सी, और माइनस इसका वैल्यू तो लिखेंगे हम लोग बी एल, यहां पर बी क्या है ससेप्टेंस, किसका ससेप्टेंस कैपेसिटर है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव ससेप्टेंस स्क्वायर, ये वाला ससेप्टेंस ये वाला बोल रहे। ठीक है, ये मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत बच्चे वो वीडियो नहीं देखे, वो सारा वीडियो यानी आरएल सर्किट आरसी सर्किट सीधे वो मेरा चैनल में पहला वीडियो यही वाला देख रहे, तो इसलिए थोड़ा क्लियर कर दिया। प्लस वन बटे आर, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, आप और करके ये वाला लिख सकते हैं और करके, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, या तो ये या तो ये करंट का ये रेजिस्टेंस का, तो ये वाई क्या है क्या है एडमिटेंस, बी सी क्या है क्या है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, बी एल क्या है इंडक्टिव ससेप्टेंस, जी क्या है कंडक्टेंस, तो इतना हो गया। अब हम लोग फेज एंगल लिखते हैं, फेज एंगल देखिए ये फॉर्मूला सब अगर आप टफ क्वेश्चन बनाएंगे तभी काम देगा, नहीं तो आपका आरसी सीरीज सर्किट से लगभग लगभग क्वेश्चन बन जाता है। फेज एंगल, फेज एंगल को डिनोट करते हैं फाई से, तो यहां पर टेन फाई लगेगा, टेन फाई, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम लोग ये लाइन का इस साइड कर रहे हैं, अभी उस साइड काम नहीं किए, यानी एक्स आई एल ग्रेटर देन आई सी वाला काम नहीं किए, ठीक है, अभी उधर भी करेंगे, तो टेन फाई बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है भी को हटा दिए, ठीक है, वन बटा एक्ससी, तो वन बटा एक्ससी को सीधे लिख देते बी सी माइनस वन बटा एक्सएल को सीधे लिख देते बी एल बटा लंब बटा आधार, तो आधार क्या है वन बटा आर, तो वन बटा आर को सीधे लिख देते जी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को उल्टा, और फाइव बराबर हो जाएगा
देखिए आप लोग इस तरीके का फॉर्मूला देखे नहीं क्योंकि ये कहीं काम ही नहीं पड़ता है, लेकिन हमको पढ़ना तो है ना। BC माइनस BL बटा G, ये हो गया फाई का फॉर्मूला यानी फेज एंगल का। अब पावर फैक्टर एक लास्ट देख ही लेते हैं। पावर फैक्टर अभी हम लोग तीर लाइन के इस साइड ही काम कर रहे हैं, ठीक है। पावर फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं कॉस फाई से, यार कॉस फाई का फॉर्मूला कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है 1/r यानी g, r क्या है 1/xc यानी bc माइनस 1/xl यानी bl, हो गया काम खत्म। अब हम लोग तीर का मतलब जो लाइन खींचे थे बीच बीच में उस साइड का काम कर रहे हैं, यानी केस फर्स्ट हो जाएगा मतलब हो गया, अब केस सेकंड का काम करते हैं। तो अब जितना कुछ किए वो अब केस सेकंड का काम करेंगे उतना ही, तो केस सेकंड का चलिए आप लोग नोट करते चलिए, मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब अगर एग्जाम में लिखने दिया तो आपको लिखना होगा। चलिए देखते हैं ये वाला, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते केस सेकंड में, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो इसमें लंब क्या आईएल माइनस आईसी, आईएल माइनस आईसी सेम टू सेम है, खाली यहाँ पर आईसी की जगह में आईएल हो गया, यहाँ आईएल की जगह में आईसी हो गया, प्लस आई आर का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, अब ये सब का काम खत्म, ये तो पहले के लिए था। देखिए ओम्स लॉ से आई बराबर भी बटा आर, यहां भी आई बराबर भी बटा आर, लेकिन भी बटा आर तो आर को 1/xl माइनस 1/xc और आई बराबर भी बटा जेड, ठीक है, जो उसमें किए तो वही है। तो यहां पर लिखेंगे 1/z बराबर रूट अंडर 1/xc, एक्सी नहीं है एक्सएल है ना, हाँ 1/xl, यहां पर एल को भी देख के आप काम कर सकते हैं, 1/xc का होल स्क्वायर प्लस आर है, तो आर के लिए क्या है 1/r का स्क्वायर। हम लोग भी को हटा दे क्योंकि यहां पर जो भी था उसको कॉमन लेते, फिर यहां पर जो भी था उसको भी कॉमन लेते और ऊपर का भी से काट देते उसको, तो सीधे हम लोग एक लाइन हटाइए दी 1/z यानी एडमिटेंस बराबर 1/xl, ये हो जाएगा क्या bl, 1/xc bc का होल स्क्वायर प्लस 1/r कंडक्टेंस का होल स्क्वायर, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं क्या फेज एंगल जिसको डिनोट करते हैं फाई से, और वो निकलेगा कहां से टेन फाई से, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 1/xl, 1/xl माइनस 1/xc, 1/xl माइनस 1/xc लंब बटे आधार, आधार क्या है 1/r, तो इसी को सीधे हम लोग लिखते तो 1/xl को लिख सकते और करके bl माइनस bc बटा 1/r को g कंडक्टेंस, तो सीधे मेरा phi का फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स bl माइनस bc बटा r g, ये हो गया फेज एंगल निकल गया। अब पावर फैक्टर लास्ट बचा हुआ है उसको भी निकाल देते हैं। पावर फैक्टर को डिनोट करते cos phi से, cos phi का फॉर्मूला आ जाएगा cos theta का आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 1/r, 1/r बटा कर्ण, कर्ण क्या है 1/z, भी बटा जेड है और भी बटा आर, लेकिन भी को हटा दिया मन मन में, तो cos phi बराबर हो जाएगा 1/r यानी कंडक्टेंस और 1/z यानी एडमिटेंस, ये हो गया फॉर्मूला। पावर फैक्टर भी निकल गया। देखिए इतना आसान था, आपको कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसका वेव डायग्राम छापेंगे क्या, इसका वेव डायग्राम इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेव फॉर्म ऑफ आरएलसी सर्किट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका वेव फॉर्म करते हैं, वेव डायग्राम छापते हैं, आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट या फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट, नहीं लिखा सीधा आरएलसी सर्किट, इसी में आरएलसी सीरीज सर्किट का भी हो जाएगा पैरेलल सर्किट का भी हो जाएगा। देखिए ये क्या है ओमेगा टी एंगल, ये क्या है जीरो। यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या था, वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट था आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। एल इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है कि भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी तो होता है, ठीक है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर जो करंट का डेरिवेशन निकाले थे हम लोग
साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री कम था, ठीक है। और कैपेसिटिव सर्किट में भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी और करंट आपका 90 डिग्री ज्यादा था, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये था। लेकिन क्या हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का बना रहे यहां पर फेज डायग्राम वेव डायग्राम? नहीं ना, हम लोग तीनों को मिला करके बना रहे, तब यहां पर पाई बाय टू नहीं रहेगा, यहां पर क्या रहेगा फाई फाई, यहां पर क्या रहेगा यहां पर फाई लिखेंगे। और जो भी फाई का जो भी, जैसे हम लोग अभी अभी फेज एंगल निकाल रहे थे तो वहां पर एंगल फाई का वैल्यू क्या था, वो 90 डिग्री से कम था और जीरो से बड़ा था, ठीक है। ये वाला हम लिखने भूल गया, आप लिख लीजिएगा कहीं ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम लोग दो ही गो का ग्राफ छापेंगे, करंट का और वोल्टेज का, ठीक है, दो ही गो का। तो यहां पर देखते कि यहां पर देखते कि यहां पर पाई बाय टू कम है, या फिर इसको सीधा हम लोग लिख देते हैं। अब इसका जो जैसे यहां पर पाई बाय टू था तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट बराबर मतलब वोल्टेज बराबर, ये नेट लिख रहे, ठीक है, ये आरएलसी के लिए लिख रहे, ये था आरएल, ये था आर के लिए, ये था एल के लिए, ये था सी के लिए। अब तीनों को मिला करके आरएलसी के लिए लिख रहे, तो आरएलसी के लिए साइन ओमेगा टी और वोल्टेज, उसके बाद करंट, तो करंट हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस पाई बाय टू, प्लस हो जाएगा आपका कैपेसिटर के लिए, माइनस हो जाएगा आपका इंडक्टर के लिए, ठीक है। तो करंट को जैसा कि आपको पता है क्या डॉटेड लाइन से बनाते हैं और वोल्टेज को क्या प्योर लाइन से बनाते हैं। तो यहां पर अब छापना मुश्किल है कि अब करंट यहां पर 90 डिग्री ज्यादा से शुरू होगा ना 90 डिग्री कम से शुरू होगा, यहां पर कहना मुश्किल है, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम को आप दो तरीके से छाप सकते हैं, इसका फेजर डायग्राम जिस तरह से केस वन केस टू बना रहे थे ना, उस तरीके से यहां पर दो तरीका से आप फेजर डायग्राम को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर देखते हैं दो तरीका से बनेगा ना, एक तरीका से बनेंगे, देखते तब अगर अगर यहां पर ओमेगा टी में पाई बाय टू को प्लस करेंगे, यानी यानी क्या ये वाला अगर देखेंगे ये वाला, तब ये जो सर्किट है आरएलसी सर्किट, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट बन जाएगा, हाँ। और अगर यहां पर माइनस फाइव लिखेंगे यानी तब तो ये इंडक्टर वाला चला जाएगा, यानी ये प्योर इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा, इस पर इस पर भी ध्यान दीजिए। और अगर ये वाला लेंगे हैं, जिस तरह से करंट गया उसी तरीके उसी के ऊपर से वोल्टेज भी जाएगा, तब वो बन जाएगा मेरा रेजिस्टिव सर्किट। तो इसको आप तीन तरीके से दिखा सकते हैं, आरएलसी सर्किट का जो वेव फॉर्म है इसको तीन तरीके से दिखा सकते हैं, तीन तरीके से। तो चलिए मैं आपको तीनों तरीका दिखा के बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये वोल्टेज के लिए बना रहे, ठीक है, ये वोल्टेज के लिए, तो इसी लाइन पर आप करंट भी लिख दीजिए, तो ये बन गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये बना गया ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, रेजिस्टिव सर्किट के लिए वेव फॉर्म। अगर अगर क्या अगर कि अगर ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ठीक है, और करंट उससे कम है, करंट कम है वोल्टेज ज्यादा है, तो करंट कम है तो हम लोग यहां से शुरू कर देते हैं, कितना कम है फाई कम है डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, कितना का अंतर है फाई का, तब ये बन गया मेरा प्योर क्या बन गया, क्या बन गया इंडक्टिव सर्किट बन गया, इंडक्टिव सर्किट। अब आप लोग बोलेंगे तो यहां पर आरएलसी सर्किट का हम बना रहे थे, यानी आरएलसी तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, ऐसा बनेगा ही नहीं है ना, तीनों एक लाइन में हो ही गए नहीं, कैसे हो गए, यहां पर प्लस माइनस फाइव का किस तरीके से दिखाएंगे, बोलिए, एगो इधर से एगो इधर से, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए इंडक्टिव सर्किट हो गया, अब कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट तो इधर मिटा के छापते हैं, उसमें करंट ज्यादा है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट ज्यादा है ओमेगा टी, तो करंट को डॉटेड लाइन से और जीरो से दिखाएंगे और वोल्टेज को थोड़ा आगे से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया करंट का, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट का, ये हो गया वोल्टेज का, ठीक है, जीरो से शुरुआत हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया मेरा कैपेसिटिव सर्किट, ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट का वेवफॉर्म, ये हो गया रेजिस्टिव सर्किट का वेवफॉर्म, ये हो गया इंडक्टिव सर्किट का वेवफॉर्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कहीं किसी तरीके का डाउट नहीं है। यहां पर कितना से शुरू हुआ फाई से, यहां पर कितना का डिफरेंस है फाई का। तो देखिए दोस्तों मैं आपको जितना था सब बताने का प्रयास किया हूं, कहीं किसी तरीके का आपको डाउट भी नहीं रखा होगा। अगर यहां पर किसी तरीके का डाउट हो रहा है कि यहां पर ये कैसे आया, तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा इंडक्टिव सर्किट का वेवफॉर्म,
क्योंकि अब यहां पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा यहां भी कैसे ये इस तरीके से हुआ, तो ये भी कैपेसिटिव सर्किट का आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये वाला देखना है तो आप इस वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए, अगर ये वाला देखना है कैपेसिटिव सर्किट तो आप इस वीडियो के लिंक को क्लिक कीजिए, और जो भी आपको देखने का मन है आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।